नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ का हमारी इस खास पेशकश में। और खबरों का रुख करने से पहले रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, पुलिस ने मांगी अतीक और अशरफ की 14 दिन की रिमांड। बड़ी खबर, आपको बता दें कि बाहर वकीलों का बवाल हो रहा है। अगर कोर्ट परिसर के बाहर की बात करें, आपको बता दें कि उमेश पाल मर्डर केस में दोनों भाई आरोपी हैं। 3 दिन से ज्यादा की रिमांड ना दी जाए, ये अतीक के वकील की तरफ से कहा गया है। थोड़ी ही देर में अतीक पर फैसला आएगा। फिलहाल आपको बता दें कि अभी अगर कोर्ट परिसर की बात करें, कोर्ट के अंदर बहस चल रही है और बाहर वकीलों की तरफ से हंगामा किया जा रहा है। उमेश पाल मर्डर केस में दोनों भाई आरोपी हैं। आपको बता दें कि 3 दिन से ज्यादा की रिमांड ना दी जाए, या अतीक के वकील की तरफ से कहा गया है और थोड़ी ही देर में इस पर फैसला आ जाएगा। बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। और वहीं उमेश पाल हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को लेकर यूपी पुलिस की टीम कोर्ट पहुंची। आपको बता दें कि दोनों को एक ही वैन में लेकर आया गया। सुनवाई शुरू हो गई है और अतीक और अशरफ को एक कटघरे में खड़ा किया गया है कोर्ट के सामने। उमेश पाल हत्याकांड में अब तक हुई जांच और जया पाल का बयान रखा गया। पुलिस ने दोनों की 14 दिन की रिमांड मांगी है। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद और अशरफ की पुलिस रिमांड पर बहस चल रही है। फिलहाल अतीक और अशरफ दोनों एक ही कटघरे में खड़े हैं और दोनों पक्षों के वकील जिरह कर रहे हैं। आपको बता दें कि अतीक अहमद के कोर्ट पहुंचते ही वकीलों ने हंगामा शुरू कर दिया और उसे गंदी गंदी गालियां देने लगे। माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया। वकील लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और इसी के साथ ही अतीक को गालियां भी दी जा रही हैं। कोर्ट परिसर के अंदर कहीं, आपको बता दें कि तिल रखने भर की जगह नहीं है। वकीलों और पुलिस के बीच नोकझोंक भी इस दौरान देखी गई। आपको बता दें कि कल देर शाम ही कौफ के साए में ही यूपी का बाहुबली माफिया डॉन अतीक अहमद साबरमती से करीब 1250 किलोमीटर लंबा सफर तय करके प्रयागराज के नैनीताल सुरक्षित पहुंच गया था। करीब 28 घंटे लंबे सफर में अतीक का काफिला कई दफा रुका, कई दफा उनसे बातचीत की गई मीडिया की तरफ से। हालांकि उनके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। हालांकि आज देखिए, अतीक और उसके भाई को कोर्ट लाया गया है, वहां पर बहस जारी है। अतीक के जो वकील है उनकी तरफ से 14 दिन की बात कही गई है। तो देखिए, ये तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। ये आपको बता दें कि कोर्ट परिसर के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर भारी हंगामा देखने को मिला। जैसे ही पुलिस अतीक को कोर्ट लेकर पहुंची, वैसे ही लगातार वकीलों की तरफ से हंगामा शुरू हो गया। गंदी गंदी गालियां दी गई अतीक को। लगातार वकीलों की तरफ से यही कहा गया कि कड़ी से कड़ी सजा इस मामले में अतीक को दी जाए। हालांकि इस दौरान आपको बता दें कि वकीलों की तरफ से अतीक के साथ बदसलूकी भी की गई। फिलहाल देखिए, हंगामा लगातार जारी है और अंदर कोर्ट में बहस चल रही है। कुछ ही देर में फैसला आ जाएगा ये कहा जा रहा है और नजरें इसी पर ही रहूंगी कि क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जाता है। फिलहाल ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। कोर्ट परिसर के बाहर की तस्वीर है। पुलिस का कड़ा पहरा आप यहां पर देख सकते हैं। आपको बता दें कि पहले से ही इसको लेकर तैयारियां की जा रही थी। कड़ी सुरक्षा कोर्ट परिसर के बाहर भी की गई है और इसी के साथ ही जिस नैनी जेल में अतीक को रखा गया साबरमती से लाने के बाद, वहां पर भी कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। फिलहाल कुछ ही देर में वो समय जब कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जाएगा और इसको लेकर भी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात कासगंज की करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार अपराधी माफियाओं पर शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर उत्तर प्रदेश के कासगंज में गैंगस्टर अपराधी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। एसडीएम पंकज कुमार, सीओ अजीत चौहान और तहसीलदार अजय कुमार ने धन अर्जित कर बनाई गई गैंगस्टर अपराधी की संपत्ति को जब्त कर लिया। जब्त की गई संपत्ति की अनुमानित कीमत 1,02,65,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के मुताबिक ये कार्रवाई जिलाधिकारी हर्षित माथुर के आदेश पर शहर के पीर छल्ला निवासी मुजीब पुत्र मुशीर के खिलाफ हुई है।
आपको बता दें कि मुजीब के खिलाफ कासगंज कोतवाली में 11 संगीन मामले दर्ज हैं। मुजीब ने अवैध रूप से धन अर्जित कर संपत्ति को बनाया था, जिसका शहर में भय व्याप्त है। आज उसकी संपत्ति को चिन्हित कर जब्तीकरण की कार्रवाई हुई। जब्त संपत्ति की अनुमानित कीमत 1,02,65,000 रुपए है। फिलहाल पुलिस ने एक मकान और 2 प्लॉटों, इसी के साथ ही एक होंडा बाइक को जब्त किया है। कुल 1,02,65,000 रुपए की संपत्तियां, जिसमें कि एक आवासीय प्लॉट, एक 3 मंजिला मकान और एक दोपहिया वाहन है। इन्हें इसके द्वारा अपराध करके अवैध धन अर्जित करते हुए जो है एकत्रित किया गया था। ये तीनों जो चल अचल संपत्तियां हैं, इनके संबंध में जिलाधिकारी कासगंज को रिपोर्ट प्रेषित की गई थी तथा अग्रिम आदेशों के क्रम में आज क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में इन तीनों संपत्तियों को जब्त कर लिया गया है। और वहीं यूपी के फतेहपुर जिले में सड़क के किनारे अर्धनग्न अवस्था में झाड़ियों में 20 साल की लड़की का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों के बीच चर्चा रही कि लड़की की रेप करने के बाद हत्या की गई है। मामला जाफरगंज थाना क्षेत्र के नयापुरवा के पास का है, जहां ग्रामीणों की सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस के आलाधिकारी घटनाक्रम के लिए जांच में जुट चुके हैं। आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक अज्ञात लड़की का शव कहीं बाहर से लाकर यहां फेंक दिया गया है। मृत मिली लड़की की अब तक कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है। मृतक लड़की के दाहिने हाथ में शालू लिखा हुआ है। पुलिस द्वारा डेड बॉडी का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आसपास के क्षेत्र में मृतका के शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। फतेहपुर जहानाबाद मार्ग पर थाना जफरगंज अंतर्गत नयापुरवा ग्राम में और वहीं शाहजहांपुर में नगरीय निकाय चुनाव को सकुशल संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से आदर्श आचार संहिता के प्राविधानों, इसी के साथ ही नामांकन और निर्वाचन प्रक्रिया के साथ ही जिला प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों के विषय में जिलाधिकारी आपको बता दें कि जानकारी देने के लिए अपर जिलाधिकारी संजय कुमार पांडे और अपर जिलाधिकारी त्रिभुवन ने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश द्वारा 9 अप्रैल को निर्वाचन की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि एफएसटी टीमों का गठन करते हुए नियमित रूप से चेकिंग कराई जा रही है और सोशल मीडिया पर भी प्रशासन द्वारा निगरानी रखी जाएगी। साथ ही भड़काऊ पोस्ट डालने वालों या फिर माहौल खराब करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वाला है खासकर माननीय निर्वाचन आयोग ने 9 अप्रैल को निर्वाचन की अधिसूचना की घोषणा की होगी। इस क्रम में हमारे जनपद में द्वितीय चरण में निर्वाचन होना है, इसकी 16 तारीख को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नोटिफिकेशन जारी। और खबर उन्नाव से है, जहां पर माखी थाना क्षेत्र पवई गांव में दबंग पड़ोसी से आहत बुजुर्ग ने घर के सामने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। दबंगों की तरफ से खेत और घर पर कब्जा किए जाने से परेशान चल रहा था बुजुर्ग। पुलिस और प्रशासन से न्याय न मिलने पर बुजुर्ग ने गांव में आत्मदाह का प्रयास किया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने आनंद फानंद में बुजुर्ग के ऊपर मिट्टी डालकर आग बुझाई। तत्काल पुलिस को सूचित भी किया गया, लेकिन मौके पर थाने से किसी भी प्रकार के कोई पुलिसकर्मी नहीं पहुंचा, जिसके चलते ग्रामीणों ने बुजुर्ग को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां पर लगभग 3 घंटे इलाज होने के बाद डॉक्टरों ने हालत सीरियस बताते हुए कानपुर के लिए युवक को रेफर कर दिया है। और चलिए बढ़ते हैं आगे, रुख इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी की ओर करेंगे। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए, इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ, बड़ी जानकारी। एनकाउंटर में शूटर गुलाम भी ढेर हो चुका है। झांसी में असद और गुलाम मारे गए हैं, बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। अतीक के बेटे असद पर 5 लाख का इनाम था
और लगातार पुलिस की तरफ से दबिश दी जा रही थी, उसको ढूंढा जा रहा था। और अब देखिए ये बड़ी जानकारी, ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचाया जा रहा है, एनकाउंटर में शूटर गुलाम भी ढेर हो चुका है। तो झांसी में असद और गुलाम मारे गए हैं, अतीक के बेटे। असद पर आपको बता दें कि 5 लाख का इनाम था। तो एनकाउंटर में शूटर गुलाम ढेर हो चुका है, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। तो अतीक के बेटे असद पर 5 लाख का इनाम था, इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है, बड़ी खबर। अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ। झांसी से सुल्तान आब्दी हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा रुख सुल्तान का करेंगे और जानकारी लेंगे। सुल्तान, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर, जिस तरह से ये खबर सामने निकल कर आई है कि अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हो गया है? जी अभी बिल्कुल ये इसके तरीके की खबर आ रही है, लेकिन अभी पुलिस प्रशासन ने इस चीज के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, ना ही घटना स्थल अवगत कराया है। लेकिन सूत्रों से जानकारी टोटल आ रही है कि असद का और गुलाम का एनकाउंटर कर दिया गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। असद 5 लाख का इनामी बदमाश था, उसका एनकाउंटर हुआ, अतीक का बेटा बताया जा रहा है, गुलाम उसका साथी शूटर बताया जा रहा है, जिनका एनकाउंटर कर दिया गया। लेकिन अभी पुलिस प्रशासन ने इस बात की कोई पुष्टि नहीं की है, लगातार खबर पर नजर बनाई जा रही है, पूरे खबर पर अपडेट रहा कर दिया जा रहा है। हेलो, ये भी बताइएगा क्योंकि देखिए लगातार पुलिस की तरफ से दबिश दी जा रही थी, अतीक के बेटे को ढूंढने की कोशिश की जा रही थी। अब देखिए इस वक्त जिस तरह से जानकारी सामने निकल कर आई है, और ऐसा वक्त जब अतीक की कोर्ट में पेशी हुई है, लगातार वहां पर बहस चल रही है, वकील एक तरफ हंगामा काट रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये पहले से ही नजर आ रहा था कि लगातार उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, और अब ऐसे समय में ये खबर सामने निकल कर आई। पुलिस क्या कुछ कह रही है जानकारी इसको लेकर? जी बबीना थाना क्षेत्र के पास बताया जा रहा है कि एनकाउंटर हुआ, लेकिन अभी तक पुलिस ने अपना मुंह नहीं खोला है। पुलिस मौके पर मौजूद है, थाना बबीना क्षेत्र पड़ता है, जहां पर ये दोनों का एनकाउंटर बताया जा रहा है। अभी पुलिस के आला अधिकारियों को अब तक कोई ध्यान नहीं आया, लेकिन ये सत्य है कि दोनों का एनकाउंटर कर दिया गया है। साथ ही साथ ये भी बताइएगा क्योंकि देखिए असद के ऊपर पहले ही 5 लाख का इनाम घोषित किया हुआ था, लगातार पुलिस की तरफ से कोशिश की जा रही थी जल्द से जल्द असद को गिरफ्तार कर लिया जाए। इसी के साथ ही ये भी बताया गया कि शूटर गुलाम भी इस बीच ढेर हो चुका है अभी तक, क्योंकि देखिए एक तरफ हम लगातार ये देख रहे हैं कि वहां पर कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही है, कोई फैसला आ सकता है, बड़ा फैसला, और ऐसे में अब इस ये एनकाउंटर की खबर सामने आना, क्या इस बारे में कोई सूचना वहां पर दी गई है? अगर हम अतीक के परिवार की बात करें तो अभी ऐसी तो किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं, लेकिन UPSTF ने ये एनकाउंटर किए हैं, एनकाउंटर में UPSTF के द्वारा किए गए, थाना बबीना क्षेत्र में ये घटना हुई, एनकाउंटर किए गए हैं, असद और गुलाम दोनों ढेर हो चुके हैं, असद के ऊपर 5 लाख का इनाम था। चलिए ठीक है सुल्तान, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। आपको बता दें कि अतीक के बेटे, और इसी के साथ ही आपको बता दें कि जो गुलाम था उसको ढेर कर दिया गया है, एनकाउंटर हुआ है दोनों का, और इसी के साथ ही आपको बता दें कि असद के ऊपर 5 लाख का इनाम पहले से ही घोषित था, लगातार पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही थी असद को, और अब ये एनकाउंटर की खबर सामने निकल कर आई है। चलिए बढ़ते हैं आगे, रुख आगरा का करेंगे। आगरा थाना ताजगंज पुलिस ने शातिर चोरों के गैंग का खुलासा किया है। ये गैंग बड़ी चोरियों को अंजाम देता था। DCP नगर विकास कुमार के मुताबिक इस गैंग का सरगना एक कैंटर चालक है। उनके मुताबिक पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, तो वहीं एक अन्य आरोपी फरार है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि मोनू पूरे गैंग को ऑपरेट करता था। आरोपी मोनू भाड़े के लिए कैंटर गाड़ी लेकर साथियों के साथ आगरा आता था। कैंटर को खड़ा करके मोनू के साथी ऑटो से ताजगंज क्षेत्र में निकल जाते थे, वहां पैदल कॉलोनियों में घूमकर बंद और सूने घरों की रेकी करते थे, और इसके बाद मौका पाकर पूरा गैंग चोरी की वारदात को अंजाम देता था। अब तक गैंग ने लगभग 15 लाख की चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। आरोपियों के पास से चोरी के सोने चांदी के जेवरात, 1000 नकद और एक आधार कार्ड की कॉपी भी बरामद हुई है। और इनका कार्य करने का जो तरीका है वो कुछ इस प्रकार का था कि जो मोनू नामक व्यक्ति है, कैंटर गाड़ी चलाता था, वो कैंटर में माल लोड करने के लिए उसे आगरा में जहाँ भी जरूरत होता था वहाँ माल लोड करने के लगा दिया करता था। फिर इसके सभी चारों साथी बिजली घर चौराहे पे मिलते थे, वहाँ से भाड़े का ऑटो करते थे
और ये ताजगंज एरिया में पहुंचकर उस ऑटो को छोड़ देते थे, फिर पैदल चल के रेकी करते थे और रेकी करने के बाद चोरी को अंजाम देते थे, फिर वापस ये लोग फरार हो जाते थे। तो चूंकि ये अपने एरिया जहाँ के रहने वाले वहाँ चोरी नहीं करते थे, तो इसीलिए इनका पहचान में आने में। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगली जानकारी का करेंगे। गर्मी का मौसम और खेतों में पककर खड़ी गेहूं की फसल ने किसानों की चिंता को बढ़ा दिया है। आग की घटनाओं से आए दिन बड़े पैमाने पर गेहूं की खड़ी फसल जलकर राख हो रही है। हरिया तहसील के बड़हरकला गांव में अचानक गेहूं की फसल में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने की सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए और आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गए। ट्रैक्टर की मदद से खेत की जुताई कर गेहूं की फसल को आग से बचाने की कोशिश शुरू हुई। फायर विभाग को आग की सूचना दी गई। फायर की गाड़ियां मौके पर पहुंची लेकिन गड्ढे में घंटों तक फंसी रही। फायर की गाड़ियां फंसी रही और गेहूं की फसल जलती रही। फायर का सबसे बड़ा स्टेशन हरैया में बना है। आपको बता दें कि बावजूद इसके आग लगने के बाद घटनास्थल तक गाड़ियां नहीं पहुंच सकी। गांव वाले और पुलिस के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। गांव वालों का कहना है कि जर्जर विद्युत तार की वजह से आग की घटनाएं बढ़ रही हैं। शॉर्ट सर्किट की वजह से गेहूं की फसल में आग लगी है। विद्युत विभाग की लापरवाही की वजह से सैकड़ों बीघा खेत में खड़ी हुई गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। तो वहीं फायर विभाग का कहना है कि गर्मी में औसतन प्रतिदिन 15 से 20 जगहों पर आग लगने की सूचना मिल रही है। हमारे पास पर्याप्त संसाधन है जिसकी मदद से आग पर काबू पाया जाता है। आग लगने पर तो हम लोग तुरंत ही निकलते हैं जो है, और संसाधन भी मतलब पर्याप्त है, एक तरह से जो है संसाधन, और हर आग लगभग तो बुझाते हैं जाकर के। कभी समस्या नहीं आई कि मतलब गाड़ी नहीं पहुंची। हर जगह लगभग रास्ता भी हो गए हैं जाने आने का, पहले की अपेक्षा। हर दिन कितनी घटनाएं लगभग आ जाती? अब इस समय गर्मी महीना में खासतौर से अप्रैल में प्रतिदिन तो लगभग जो है 30-40, 15-20 आगे तो हो ही जा रहे हैं। और वहीं बिजनौर में संदिग्ध परिस्थितियों में नई नवेली दुल्हन की मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला थाना नोटपुर के रामनगर मोहल्ले का है। वही खबर गाजीपुर से है जहां दर्दनाक सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई। दुर्घटना करंडा थाना क्षेत्र के चाड़ीपुर में हुई जहां एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक में टक्कर मार दी। ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि करंडा क्षेत्र के तिवारीपुर गांव में रहने वाला अलियार प्रजापति अपने एक रिश्तेदार शेखर के साथ बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहे थे और इसी दौरान सामने से आ रहे ट्रैक्टर ने बाइक में टक्कर मार दी। दुर्घटना में बाइक सवार दोनों युवकों की मौत हो गई। वही मथुरा में जीआरपी पुलिस ने वीआईपी ट्रेनों में चोरी का खुलासा करते हुए 3 लोगों को जेल भेज दिया है। ये चोर लगातार मथुरा रेलवे स्टेशन पर चोरी को अंजाम दे रहे थे। मथुरा जीआरपी पुलिस ने इन लोगों के पास से लाखों रुपए का सामान बरामद किया है। चोरी करने वाले ये चोर पहले भी कई बार जेल जा चुके हैं। देखिए बरामदगी में लगभग 4 लाख का जो सामान है, ज्वेलरी है, मुख्य रूप से सोने की ज्वेलरी है, अलग अलग ज्वेलरी है, वो बरामद हुआ है। इसके अलावे जो फ़ोन है वो बरामद हुए हैं और इनको बरामदगी करवा करके इनको जेल जो है वो भेजा जा रहा है। कहाँ से गिरफ्तारी? गिरफ्तारी यहीं से हुई है, मथुरा जंक्शन से ही हुई है। जी अपराध क्या रहा है? देखिए जैसे मैंने आपको बताया, इनके ऊपर डकैती के भी मुकदमे हैं, लूट के कई सारे मुकदमे हैं, NDPS के इनके ऊपर मुकदमे हैं। यानी ये शातिर तरीके के लुटेरे हैं, मुख्य रूप से विशुद्ध रूप से ये लोग लुटेरे हैं। वहीं हरदोई में तेज रफ्तार बाइक के आपस में भिड़ गई जिसमें एक की मौत हो गई तो वहीं दूसरा घायल व्यक्ति जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि घायल युवक की हालत गंभीर होने की वजह से उसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। घटना से परिजनों में कोहराम मच चुका है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा करवाने के लिए भेज दिया है। झांसी के बबीना थाना क्षेत्र के सिमरावारी के पास एक्टिवा से घर जा रहे सराफा व्यापारी से 4 बदमाशों ने तमंचा दिखाकर लाखों रुपयों से भरा जेवरात का बैग लूट लिया। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। लूटा गया माल की कीमत आपको बता दें कि 30 लाख बताई जा रही है। घटना पर पुलिस के कई आला अधिकारी पहुंचे।
और वहीं लखनऊ में नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई। आरोप है कि नगर निगम ने कूड़े के साथ कार को भी जला दिया। वाहन मालिक ने नगर निगम पर चार पहिया वाहन जानबूझकर जलाने का आरोप लगाया है। आग से कार जलकर राख हो गई। मौके पर दमकल की गाड़ी ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। पीड़ित का आरोप है कि आग लगने के बाद नगर निगम कर्मचारियों और अधिकारियों से सहयोग नहीं मिल रहा है। कार घंटाघर स्थित तिकोना पार्क के पास खड़ी थी। और वहीं गोरखपुर में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक दूसरे युवक को पीटता हुआ नजर आ रहा है। जांच पड़ताल में पता चला कि यह वीडियो गोरखपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के झरना टोला का है। इस वीडियो में मारने वाला युवक राम यादव बताया जा रहा है, जिसके ऊपर शाहपुर थाने में कई मुकदमे पहले से ही दर्ज है। तो वही पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़ित युवक ने बताया कि मैं सुबह खेत पर काम करने जा रहा था, और तभी अचानक राम यादव, प्रेम किशोर और उनके भाई, उनके कई साथी मुझे मारने पीटने लगे, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। तो वहीं पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन इन लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए इन लोगों के खिलाफ मैं कार्रवाई की मांग करता हूं। और वहीं महोबा में दिनदहाड़े घर से खींचकर एक विवाहिता के साथ दबंग ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता की चीख पुकार सुनकर नाबालिग पुत्र वहां पर पहुंचा, तो दबंग उसे और उसकी मां को धमकाते हुए मौके से फरार हो गया। पीड़िता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मेडिकल परीक्षण के लिए पीड़िता को महिला अस्पताल भेजा है, और पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुट चुकी है। रायबरेली जिले के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के कस्बे के सब्जी मंडी में कपड़े व्यवसायी और उसके बेटे की दबंगों ने जमकर पिटाई कर दी, और इस दौरान दोनों को गंभीर चोटें आई। इसके बाद जैसे ही सूचना व्यापारी संगठनों को लगी और वहां लोगों का जमावड़ा लग गया, इसके बाद पीड़ित ने स्थानीय थाने में शिकायत पत्र भी दिया है। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित व्यापारी की शिकायती पत्र ले लिया है और मामले की जांच पड़ताल करवाने की बात कही गई है। व्यापारी और उसके बेटे की पिटाई के बाद व्यापारी संगठनों में भी नाराजगी व्याप्त है। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात बाराबंकी की करेंगे। बाराबंकी में बिरयानी में लगे पीस ना मिलने पर पुलिस वालों ने जमकर बवाल काटा, जिसके बाद पुलिस वालों ने बिरयानी बेचने वाले को जमकर पीटा, जिसका वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। दूसरा प्रकरण जिसमें ये सिपाही जिसको मारते हुए दिखाया गया है, ये सिपाही बिरयानी या कोई इस तरह का चीज खाता ही नहीं, इससे भी बातचीत हुई है। और ये वहाँ पर चूंकि ट्रैफिक का सिपाही है, इसका नुक्कड़ पे दुकान है, उस दुकान पे गाड़ियाँ ना खड़ी हो पाने के कारण यातायात व्यवस्था बनाने के नाते ये वहाँ ड्यूटी देता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में वकीलों की डिग्रियों के सत्यापन के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में वकीलों की डिग्री के सत्यापन को हरी झंडी दिखा दी। सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में वकीलों की डिग्री के सत्यापन को हरी झंडी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी वकीलों की डिग्री, एनरोलमेंट सर्टिफिकेशन, एजुकेशनल सर्टिफिकेट को वेरीफाई किया जाएगा। उच्च स्तरीय कमेटी जांच की निगरानी करेगी, और इस जांच की निगरानी एक उच्च स्तरीय समिति करेगी, जिसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस बीएस चौहान होंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने अधिवक्ता अजय शंकर श्रीवास्तव की याचिका पर आदेश पारित किया है, जिसमें सभी राज्य बार काउंसिलों को बीसीआर के कार्यालय आदेश को चुनौती दी गई थी। और वहीं हरिद्वार में केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन ना किए जाने से नाराज होकर अभिभावकों ने छात्रों के साथ धरना देना शुरू कर दिया है। बीएचयूएल स्थित केंद्रीय विद्यालय प्रबंधन ने कक्षा एक में एडमिशन बंद कर दिया, जिस पर अभिभावक केंद्रीय विद्यालय को बंद कर दिए जाने की साजिश का आरोप लगा रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि अगर केंद्रीय विद्यालय बंद होता है तो इससे हजारों छात्रों की शिक्षा प्रभावित होगी। तो वहीं अभिभावक केंद्रीय विद्यालय को चालू रखने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। और वहीं 16 अप्रैल को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पिथौरागढ़ पहुंच रहे हैं। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस दौरान वो सीमांत क्षेत्र में विकास योजनाओं का सर्वेक्षण कर गुंजी गांव में रात्रि प्रवास करेंगे। उन्होंने कैलाश मानसरोवर के लिए 17 दिन की पैदल यात्रा को मात्र आधा किलोमीटर की यात्रा में बदलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का भी धन्यवाद किया।
वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने स्थापना दिवस को लेकर 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती तक सामाजिक न्याय पखवाड़े के रूप में मना रही है। इस दौरान पार्टी ने सभी मोर्चों को अलग अलग सेवा के कार्य सौंपे हैं और इस संबंध में बीजेपी प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि जैसे पार्टी के स्थापना दिवस का कार्यक्रम 6 अप्रैल को बूथ स्तर तक मनाया गया, ठीक वैसे ही 14 अप्रैल को होने वाले अंबेडकर जयंती के अवसर पर बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को मनाया जाएगा और इस पखवाड़े के दौरान युवा मोर्चा को रक्तदान शिविर लगाकर सेवा करने की जिम्मेदारी दी गई है। तो वही महिला मोर्चा को अनुसूचित जाति की महिलाओं के बीच सहभोज करने का कार्यक्रम भी दिया गया है और इसी तरह अन्य मोर्चों को भी अलग अलग सेवा के कार्यों का जिम्मा सौंप दिया गया है। और वहीं हरिद्वार में पत्नी की हत्या कर फरार होने वाले आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पिछले सप्ताह श्यामपुर थाना क्षेत्र के गाजीवाला में रहने वाली एक महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि हत्या के बाद से महिला का पति फरार है। मामले में तहकीकात करते हुए पुलिस ने जगतपाल को यूपी के बदायूं से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में जगतपाल ने बताया कि उसे पत्नी पर किसी और के साथ संबंध होने का शक था और इसी को लेकर दोनों में लड़ाई झगड़ा होता रहता था। जगतपाल श्यामपुर क्षेत्र के एक होटल में कर्मचारी था। और वहीं रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ने 10वां वार्षिक उत्सव समारोह बड़े धूमधाम से मनाया जिसमें छात्रों के साथ साथ कई सामाजिक और राजनीतिक लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान छात्रों और उत्साहित करने के लिए पुरस्कार भी दिए गए जिससे छात्रों में काफी उत्साह दिखाई दिया। कार्यक्रम के दौरान अतिथि के तौर पर महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 यतीन्द्र आनंद गिरी महाराज ने भाग लिया। तो वहीं रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा, भाजपा जिलाध्यक्ष शोभाराम प्रजापति सहित पूर्व विधायक सुरेश चंद जैन भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान कॉलेज के छात्रों ने रंगारंग कार्यक्रम पेश कर अतिथियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आपको बता दें कि कार्यक्रम 2 दिनों तक जारी रहेगा। और वहीं कल होने वाले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जन्मोत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर कल 14 अप्रैल को अंबेडकर चौक पंचपुरी गढ़वीरपुर पर बाबा साहेब जन्मोत्सव का आयोजन होगा और इसके लिए बाबा साहेब अंबेडकर जयंती सेलिब्रेशन कमेटी ने तैयारियां शुरू की हैं। जन्मोत्सव में लोग डॉक्टर अंबेडकर की सेवाओं से जुड़े गीत और जीवन शैली विचार पेश कर लोगों को मनोरंजन करेंगे। वहीं गढ़मीरपुर के अंबेडकर चौक को बखूबी से सजाया जाएगा। अंबेडकर जयंती पर सभी समाज के विभिन्न वर्ग के लोग चौक पर पहुंचकर अंबेडकर की प्रतिमा को नमन कर पुष्प अर्पित करेंगे। देखिए जैसा कि पूरे विश्व को पता है कल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जयंती है और हर साल के बाद ही हमारे यहाँ भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था और कल हमारे यहाँ 9 बजे दिन में विचार गोष्ठी का प्रोग्राम है और रात के टाइम 9 बजे हमारा जागरण का काम शुरू हो जाएगा। और हमारी जनता से अपील है, पूरे समुदाय से अपील है, जैसे हर साल की बात ही हमारा सहयोग बढ़ चढ़ के करते हैं, इस बार भी हमारे जागरण में सहयोग बढ़ चढ़ के करें और शासन प्रशासन जैसे हर साल की बात ही बहुत अच्छे तरीके से अपनी भूमिका निभाता है, इस बार भी हमारे जागरण में प्रोग्राम में शांतिपूर्वक अपना योगदान निभाए ताकि जनता को प्रोग्राम करने में सहूलियत मिले। और इसी के साथ ही हमारे इस खास विशेष में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार।